सुबह सुबह उठाया है भाई, बंदा हमारा बस स्टैंड के ऊपर खड़ा है और बस नहीं आ रही। की है मूल कौंदा फिरने वा, इसे चीज ने तो हिस्ट्री बनानी है पतंदरा। बस नहीं मिली, एक दिन अपने बच्चों को सुनाया करेगा बाद में कि मैं जब काम पे जाया करता था उस टाइम के ऊपर मेरे को बस नहीं मिलती, फिर मैंने पाजी को कॉल की, पाजी गाड़ी लेकर घर से आए। आज लॉन्ग वीकेंड लॉन्ग वीकेंड के दिन ना बसें कम होती हैं। वो देखो कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठ के आग बुझा रहे हैं, क्या हाल चाल है, परौठे परौठे चाहिए गोभी गोभी वाले। यहाँ से पुलिस वालों ने बंद किया हुआ रोड, ये देखो तीन बंदे यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं। ये तो वो बात होगी, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, सच्ची आग लगा दी किसी ने। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੂਗੀ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਆਹ ਜੋ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਭਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਕੋ ਨੇ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਬਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬਾਈ ਹੈ ਇਹ। अभी सिंह इसके पास ना ओपन परमिट था, इसने स्टडी किए पहले यहाँ पे, फिर दो तीन साल का परमिट मिला, वो भी खत्म हो गया। अभी इसको LMI दिलाई है किसी ट्रकिंग कंपनी की, क्योंकि इसके पास में लाइसेंस है और इसके पास में USA का वीजा भी, उनको बंदा चाहिए था, इसको LMI चाहिए थी। जब ओपन परमिट खत्म होता है तो LMI अपने नाम के ऊपर चढ़वानी होती है। दो ऑप्शन होती हैं, या तो अपने को बॉर्डर के ऊपर जाना पड़ता है, जो आपके पास में बॉर्डर होगा कोई भी बॉर्डर, और जहाँ फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो उसके लिए एक दो महीने का टाइम चाहिए। तो अगर आप बॉर्डर के ऊपर जाते हो, इमिग्रेशन वाले होते हैं, वो भी बैठे होते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो वो अगर चाहें तो उसी टाइम पेपर प्रिंट करके दे देंगे, उसी टाइम परमिट दे देंगे अपने को प्रिंट करके। लेकिन उसके लिए अपने को कुछ शर्तें होती हैं कि आपको अमेरिका में जाके वापस आना पड़ता है, एक बार कंट्री आउट करनी पड़ती है। कंट्री आउट करने से पहले एक बार टैंकी फुल करके तो यहाँ से निकलते हैं। ओह टैंकी ज़्यादा फुल हो गई भाई, ओह हो तेरी तेरी तेरी, ओह लाखों डॉलर का पेट्रोल मैंने बाहर फेंक दिया, ओह माय गॉड। तो अपने जो सबसे पास वाला बॉर्डर है विनीपेग में, वो एमरसन वाला बॉर्डर ही पड़ता है। तो मैं और ए और इसका बड़ा भाई, हम तीनों जा रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे आपको मालूम है, अपना हर काम जो है वो शुरू होता है बाबा जी के नाम से। इसको मैंने बोला भाई बाबा जी से पहले अरदास बेनती कर ले, और दूसरी बात और है, उनको बोल देना भाई ऑफिसर को, अगर वीजा ना दिया उसने परमिट, उसको बोलना कि भाई हमने बहुत महंगी वीडियो बनाई है, हम उनको परमिट चाहिए इस वीडियो में, नहीं तो हमको फिर से दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी, हमारा खर्चा हो जाएगा भाई। चलो भाई एमरसन बॉर्डर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये दोनों रियल ब्रदर हैं और मैं इनका बड़ा ब्रदर हूँ। तीन भाई जाएंगे, मैंने सोचा था डर के वीजा दे दें कि भाई दे दो परमिट, तीन बंदे आए। रेफरेंस पुछणगे ना, ओहदा नाम दी बंदे दा कंपनी दे विच, जिदा इमीजिएटली जां लाला भी बंदा चाहीदा भाई, इमीजिएटली इमीजिएटली बंदा चाहिए। हां भाई तूने ऑफिसर को बोलना है, उन्हें बोलना है ना, अगर सागर की बॉडी ट्रक चला लेती है, सागर दी बॉडी ट्रक लेंदी है चला, इमीजिएटली साडी मजबूरी, हमको परमिट दे दो, परमिट दे दो। हम चला नहीं सकते, हमारा कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन तू चला देना उत्थे गाना, ब्लूटूथ ऑन कर, मैं गाना सेंड करा इमीजिएटली। ये कोई साडी मजबूरी, सानू परमिट दे दो ट्रक दा दे। क्योंकि भाई ये कंफर्म नहीं होता कि वो परमिट देंगे या नहीं देंगे, ये उनके हाथ में होता है। कनाडा के कुछ पार्ट एक ऐसे होते हैं जहाँ पे ना भाई स्नो जो ना अप्रैल के लास्ट तक कंफर्म नहीं होती कि जाएगी या आएगी। बाहर देखो माहौल खराब होने के चांस पूरे बढ़ गए। को भाई रास्ते में उतार के जा रहे हैं, अगर तेरे को पूछेंगे ना एको गल कहनी है तू, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਪਰਮਿਟ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਮ ਡਨ, ਆਣਾ ਮਾਫੀ ਮਾਲੂਮ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈ। हमारे दोनों के पास में क्रॉसिंग करने के लिए वीजा है, उसके पास में है नहीं, तो इसलिए उसको यहाँ पे उतार के जा रहे हैं। जिद कर रहा था बच्चा है, बोलता है मैं जाऊंगा साथ में, अभी क्या करें भाई। ओ बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी खोल लो क्योंकि आप अभी लैंड करने वाले हो। सीधा भाई अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर जाएंगे। ओ उधर वे लाइन लगी भरावा कनाडा वाले बॉर्डर से। शिट मैन, ये तेरी किस्मत अभी यहाँ पे खुलेगी कि नहीं खुलेगी, अभी 5 मिनट में 5 सेकंड में मालूम पड़ने वाला है बॉस। हेलो सर, हाउ आर यू? आई आर टू ऑफ अस एंड वी आर जस्ट फ्लैग आउट फॉर दिस पर्सन। परफेक्ट, थैंक यू सर। भाई मेरा भी पासपोर्ट रख लिया उन्होंने, मेरे को तो अपनी टेंशन हो गई भाई इसके साथ में आने वाले में। भाई बॉर्डर के नाम के ऊपर ना टेंशनें होती हैं।
वेपन नहीं है को? भाई एक जगह पे तो शूट किया है। अगर आपके पास में यूएसए का वीजा या कनेडियन पासपोर्ट है तो आपको कोई पर्ची वर्ची नहीं देते, उनको बोलते हैं हमको कोई टेंशन नहीं, आप हमारे यहाँ पे लीगल आ जा सकते हो। तो आप अगर आप आगे जाना चाहते हो आगे भी जाओ, सारी जो गेम घूमनी है ना वो वापस जाके घूमनी है। जब कनेडियन बूथ के ऊपर वापस यू टर्न मार के लगेंगे तब उसने पूछना इसको कि भाई आ जा अंदर, तेरे से करते हैं दो दो हाथ। टेंशन 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 होती है भाई यार, जिंदगी का सवाल होता है क्योंकि हर एक बंदे को आस होती है कि भाई हमारा परमिट हो जाए, वापस ना ही जाना पड़े यहाँ से। हाँ एक बार ये नहीं कि अभी एक बार आए तो एक बार रिजेक्ट हो गया वापस नहीं जा सकते, वापस भी जाओ दूसरी बार तीसरी बार है ना ट्राई कर सकते हो आप, नहीं तो फिर ऑनलाइन अप्लाई कर दो। ये देख लिखा हुआ ना टू कैनेडा, ये वापस जाना दफा हो जाओ इधर वापस। हाँ अभी यहाँ पे तेरे को कोई लाइन में लगने देगा? इनमें से कौन सा अच्छा बंदा होगा जो लाइन में लगने देगा तेरे को? नीले वाला तो नहीं लगने दे रहा, सफेद वाला। किसी के पास में पेशेंस है कि एक गाड़ी की जगह दे दे हमको? नहीं होगी, आज मालूम पड़ जाएगा अभी अपनी कितनी इज्जत है। पीछे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है भाई, ये नीली गाड़ी वाला अपने को देख रहा है भाई दे दे रास्ता तेरा क्या जाता है। थैंक यू मैं नीले गाड़ी वाली ने रास्ता दे दिया, वाली ने नहीं वाले ने। आईफोन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हमारी जगह ले रहा है, देखो क्या हो गया अगर हम रेड लाइट होगी हम नहीं जा सके। देखो 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 कोई नहीं बॉस आ गए हम भी, दो मिनट वेट कर। वो यार पीटर बैट देखो भाई राइट साइड में आरजीएन लो बॉय लेके आया भाई, क्या बात है। इसने भी ट्रक लेके आया करना है बाद में इसी बॉर्डर के ऊपर। हम ट्रैक्टर की ब्रेक नहीं खींच सकते, ब्रेक के ऊपर पैर रख के ट्रक बंद कर देना है जब भी बूथ के ऊपर जाना है ट्रक लेके। अगर रीफर है तो पीछे खड़े होकर रीफर बंद करके फिर बूथ के ऊपर जाना। ये देख पीटर बेल्ट वाला ड्राइवर आया ना पेपर उठा के इधर, है ना, इसके पास में मशीन है। तो जब भी कोई मशीन का लोड होता है ना, जैसे हम भी आए थे आपको याद है मैरीलैंड अमेरिका से उठा के गए थे हम न्यूफाउंडलैंड यूएसए, ओ न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में गए थे ना अमेरिका वाली साइड में। अभी ये अमेरिका वाली साइड में जाएगा अंदर, वहां से ये वाली मशीन रिलीज करवाएगा पेपरों के ऊपर। और उसके लिए 72 आवर्स टोटल होते हैं जब आपका लोड आपका कंफर्म होता है, आपकी कंपनी यहाँ बॉर्डर के ऊपर इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारा एक ट्रक आएगा। अभी उस टाइम से लेके 72 घंटे पूरे हो जाने चाहिए तब आप मशीन रिलीज करवा सकते हो यहाँ से। अगर नहीं हुए तो आपको रात को यहाँ ही सोना पड़ेगा, जब तक आपके 72 आवर्स पूरे नहीं होते तब तक आप कोई भी मशीन यूएसए से जो लेके आ रहे हो वो कनाडा में आप एंटर नहीं कर सकते, ना ही आपको बॉर्डर के ऊपर एंट्री मिलेगी उसके साथ में। ये भाई बहुत चक्कर है भाई। जब से फ्लैट डेक में आया हूँ ना भाई बहुत चीज़ें समझ में आ गई, बहुत चीज़ें। तेरा फ्यूचर वो सामने वाले बूथ में बैठा हुआ कहीं कोई नींबू पानी, कोई चक्कर नहीं भाई, कोई शहद वाला पानी, तो बढ़िया बढ़िया चीजें नहीं आए। कितना ऊपर ऊपर से बोल रहा है ना, इसकी शक्ल से देखो कितना ऊपर ऊपर से बोल रहा है। वो जो ऊपर कमरे है ना वो वाले जो रेल की रेल के डिब्बे जैसे चलते हैं उसमें मालूम नहीं कितने बड़े बड़े इन्होंने लाखों डॉलर के बड़े बड़े कैमरे लगाए हुए अपने ऊपर, फोकस मार मार के देख रहे हैं कौन सा बंदा क्या हरकत कर रहा है, कोई चूहे नकार रहा है नाक से, कोई खाना खा रहा है। फिर उसके बाद में डिसाइड होता है, फिर वो फोन करते हैं कि ये बंदे को मत छोड़ना बड़ा गंद डाला हुआ है इसने। इंकी पुंकी टिंकी पुंकी इंकी इसमें जाते हैं, नहीं इसमें जाते हैं रेड वाले पहली ऑन द लेफ्ट या ओके। यहां पे सारा कुछ बताना होता है जब आप विंडो के ऊपर आते हो ना कनाडा वापस। इस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है और अंदर आना है फॉरवर्ड स्पॉट। चलो अभी हमको अंदर जाना पड़ेगा भाई, जिनको वर्क परमिट चाहिए उनको पीले रंग की एक स्लिप देंगे, स्लिप के बाद में ये वाली पार्किंग है, ये पार्किंग में लगा के गाड़ी आपको अंदर जाना होगा और अंदर जाके सवाल जवाब आपसे अलग होंगे। छः घंटे बैठ के आए भाई अंदर, छः घंटे बैठने के बाद में उन्होंने बोला कि वापस घर जाओ, कोई वीज़ा नहीं मिलेगा, कोई अलमई नहीं मिलेगी। मैंने एक चीज़ सीखी है, नाइजीरिया की औरत थी, नाइजीरिया की औरत, उसने भाई बड़े तल्ले निकाले, उसने दो बार एक्सटेंशन ली थी मिस्टर वीजा की। उसको बोलते हैं ऑफिसर कि तुम अभी तीसरी बार कनाडा घुस नहीं सकती, तुमने पिछले 2 साल में सिर्फ 6 दिन आउट किया यूएस में और 16 दिन आउट किया यूएस में, अंदर बड़े बुरे हालात हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना परमिट लेने के लिए LMI लेने के लिए तो आओ तो रोटी पानी खा के आओ। इतने हार्ड क्वेश्चन पूछते ना भाई, सबसे जरूरी बात अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही बॉर्डर पे परमिट लेने के लिए मत आना। अपने बंदे बैठे हुए थे इंडियन और फिलिपीन के, एक बंदा आया उसने आगे अपना डॉक्यूमेंट दिया, उसको बोलता है भाई इंग्लिश में बात कर रहा था, उसको इंग्लिश नहीं आई, वो विस्टर था, उसको वापस भेज दिया उसका कैंसिल करके। किसी का भी कसूर नहीं ना इनका ना हमारा, हमारी जरूरत है उनकी जॉब है। $155 यहाँ पे लेते हैं फीस, लेकिन सवाल जवाब आपको इतने पूछेंगे भी आपका एम्प्लॉयर क्या कहता है, खास करके आपकी ड्यूटीज क्या है, है ना। हमको ऐसे भगा दिया उन्होंने भी, रात बहुत होगी 10 बजे इनका ऑफ हो जाता है, सुबह 5 बजे आएंगे और सुबह 7-8 बजे फिर स्टार्ट करेंगे। कौन सी LMI आप ले रही हो, अगर ट्रकिंग की ले रही हो तो ट्रकिंग की ड्यूटीज क्या होगी आपकी, तो इनको बतानी पड़ेगी इंग्लिश में।
सबसे जरूरी बात, इन्होंने एक बंदा पकड़ा हुआ था, उस बंदे को बिठा के रखा था, उसके ऊपर केस थे और वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, इमिग्रेशन सिस्टम बंद हो गया। फिर रात को इन्होंने 8 बजे स्टार्ट किया और 8 बजे से लेकर 10:30 अभी हुए, 10:30 तक इन्होंने सिर्फ 3 बंदे निपटाए, उसमें से एक नाइजीरिया की औरत थी एक्सटेंशन के लिए, जो मैंने आपको स्टोरी बताई भाई, वो तो भाई वहां पे रोना शुरू कर दिया, कैमरा अंदर अलाउड नहीं था तो सारे बंदे उसकी तरफ देख रहे हैं, वो तो ऐसे ऐसे करके पीट रही है भाई। अकाउंट स्टेटमेंट दिखा कि तेरे पास, तेरे जो तुमको संभाल रहा है उसके पास में फंड है, तो उसने स्टेटमेंट भेजी 1,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में डॉलर, तो उसने बोला भाई तुम्हारे पास तो फंड नहीं है और तुम 2 महीने के लिए बोल के आई थी, तुमको 550 दिन हो गए यहाँ पे, 16 दिन पहले गई, 6 दिन अभी गई यूएस में और यूएस से फिर वापस कनाडा में एंटर हो रही है भाई। यहाँ पे अगर मेरे को कैमरा अलाउड करे ना अंदर, भाई पूरे दिन की स्टोरी, मैं परेशान हो गया देख देख के भी चल क्या रहा है यहाँ पे। जब मैं आकाश को छोड़ने के लिए जा रहा था ना इस व्लॉग के स्टार्टिंग में, उस टाइम का मैंने एक परांठा मिक्स बाजार से लेके था वो खाया था, इतना बलिदान तो मैंने अपने लिए भी नहीं दिया जितना इसके लिए दे दिया। उसको कॉल कर भाई, उसको बोल कोई विंग्स वुंग्स ऑर्डर कर दे, तो खाते हुए जाएंगे तब थोड़ा आसरा हो जाएगा। तो भाई दिस इज द स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट्स मैन, दिस इज द स्ट्रगल ऑफ Who are getting the permits on border, भाई ये असली स्ट्रगल है। तो हमने तो देखा ही नहीं ये वाला पार्ट, क्योंकि हम तो सीधे PR आए थे, तो मैं तो सलूट करता हूँ भाई इन सबको। इसको बोलता है दौड़ जा कर, मैंने तो भाई इसको बोला तितर हो जा, चल चलिए, मैं कहा चल चलिए, जान छूट रही है भाई, कल सुबह फिर आ जाएंगे। यहाँ पे भाई शर्तें लगी, शर्तें कि भैया तो हमको मिला नहीं लेकिन पूल खेड़ के जाएंगे। ले आप यार भी है। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਈ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਈ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗਾ ਹਮਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੋ, ਇਸਕੋ PR ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਟੁਮਾਰੋ ਬਈ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸੀ ਵਲੌਗ ਕਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਿਆ ਥਾ ਬਾਰਡਰ ਕਵਰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਸਕੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਖਬਰ ਦੇਗਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਆਓ ਉਸਕੋ ਪੁੱਛਤੇ ਕਿਆ ਸਾਥ ਆ ਰਹੇ, ਆ ਜਾ ਓਏ पूरे मोहल्ले का टूर देना चाहिए, हमारे बंदे को परमिट मिल गया, हमारे बंदे को परमिट मिल गया, हो गया 3 साल का परमिट मिल गया इसको, आज भी अलग सी बात नहीं हुई वहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग से निकाल के हमारी तरह दूसरी तरफ यू टर्न नहीं करना है, अगर आप फ्लाइंग बोर्ड करने के लिए जा रहे हो ना तो आपको वहां पे वेट करना है, एक ऑफिसर अंदर से आएगा, वो वाले जो बैरियर हमारे साथ में लगे हुए ना वो वाले बैरियर हटाएगा, आपको वहां से यू टर्न करना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो भाजी ये कल नर्वस नहीं हुआ, कई बंदे जाके नर्वस बड़े हो जाते कल, उसको बड़ा मन हुआ, इसने देखा था कल नर्वस हुआ कि नहीं हुआ, इसको तो हम 40 किलोमीटर पीछे छोड़ के गए थे, इसने देखा नहीं नर्वस हुआ कि नहीं हुआ। गुड पॉइंट, तारिया। इसने स्टडी की है, फिर काम किया, कितनी जगह में बड़े चक्के खाए, टूरिस्ट वीजे वाले प्रिपेयर हो गए, इंग्लिश वाली ऐसे मिलता है बॉर्डर के ऊपर जाके परमिट, पैसा कोई नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर आपने LMI ली है उसके साथ में आपका क्या हिसाब किताब है वो आप लोग ही जानते हो। तो मिलते हैं भाई आपको अगले व्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राम राम। When I know I'll know, hand in hand like left, right, left, right, oh.